एज ए रजिस्टर्ड बायोमेडिकल साइंटिस्ट काम करना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में मैं कंट्री की बात करूंगा कंट्री का नाम है स्वीडन स्वीडन में आप कैसे एक रजिस्टर्ड बायोमेडिकल साइंटिस्ट बन सकते हैं और वहाँ पे काम कर सकते हैं तो छह स्टेप्स आपको फॉलो करना है स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर किए पहला जो स्टेप है कि आपका जो डिग्री है या जो डिप्लोमा है बायोमेडिकल साइंस में वो आपको रिकॉग्नाइज कराना होगा या इवाल्युएट कराना होगा अब वो कौन करता है तो वो वहाँ की जो स्वीडन की अथॉरिटी है नेशनल बोर्ड ऑफ हेल्थ केयर एंड नेशनल बोर्ड ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर अथॉरिटी जो है वो आपके डॉक्यूमेंट को असेस करती है उसमें तीन से पाँच महीने का टाइम लेते वो लोग और जो जो डॉक्यूमेंट उन्होंने पूछा अलॉन्ग विथ उनका एप्लीकेशन आपको एक उनको ईमेल भी करना रहता है पी और एक आपको कुरियर भी करना रहता है फिर आपको क्या करना है इमिडिएटली दूसरे स्टेप पे जाना दूसरा स्टेप क्या है कि आपको स्वीडिश लैंग्वेज सीखना शुरू कर देना है अब कौन से लेवल का स्वीडिश लैंग्वेज आपको आना चाहिए इसके लिए तो C1 लेवल का स्वीडिश लैंग्वेज आपको आना चाहिए और इसको सीखने में आपको 10 से 12 महीना लग सकता है ये स्वीडिश लैंग्वेज सीखने में जब भी आपका C1 लेवल का स्वीडिश लैंग्वेज हो जाता है देन यू हैव टू स्टेप थ्री उसमें जाना स्टेप थ्री क्या है कि वहाँ का जो बायोमेडिकल साइंटिस्ट का जो एग्ज़ाम है लाइसेंस एग्जाम है वो आपको पास करना होगा और वो एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट लेते हैं जहाँ पे आपको रजिस्टर करना होगा और रजिस्टर करने के बाद आपको एग्जाम लिखना है दो पार्ट में आपका एग्ज़ाम होता है थियोटिकल एंड प्रैक्टिकल वो आपको पास करना इन डिटेल में आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है क्या टॉपिक्स रहते हैं वो सारी चीज़ें ये हो गया आपका तीसरा स्टेप ये एग्जाम पास करने के बाद आपको जाना है फोर्थ स्टेप में फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है स्वीडन का जो रूल्स रेगुलेशन है कोर्स वो आपको करना है वो भी पर्टिकुलर पोर्टल या यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी जहाँ पे आपको साइन अप करना है और अपने कोर्स के लिए आपको रजिस्टर करना होगा और रजिस्टर करने के बाद वो कोर्स करके आपको सर्टिफिकेट लेना होगा रूल्स रेगुलेशन का वो होने के बाद फिफ्थ स्टेप में आपको क्या करना है आपको अंडर क्लिनिकल ट्रेनिंग जाना है वो मिनिमम तीन महीने का जनरल ट्रेनिंग आपको करना है थ्री टू सिक्स मंथ बट मिनिमम थ्री मंथ्स का वो ट्रेनिंग करने के बाद वो आपको एम्प्लॉयर या हॉस्पिटल आपको ढूंढना होगा या जहाँ भी रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम है वो आपको वहाँ ढूंढना होगा और वहाँ पे आप काम करके एम्प्लॉयर से वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेंगे फिर लास्ट स्टेप जो है पे मन्थ्स रजिस्ट्रेशन जो आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है रजिस्ट्रेशन फीस पे करना है और ये सारे डॉक्यूमेंट आपका डॉक्यूमेंट असेसमेंट सर्टिफिकेट आपका सी वन सूडीज लैंग्वेज का जो बायोमेडिकल साइंस का जो लाइसेंस एग्जाम उसका सर्टिफिकेट आपका रूल्स रेगुलेशन सर्टिफिकेट आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट क्लिनिकल ट्रेनिंग ये सारा डॉक्यूमेंट आप सबमिट करोगे नेशनल बोर्ड ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर में तो विद इन अ मंथ आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है जब भी आपके पास रजिस्ट्रेशन है तब आप इंडिपेंडेंटली स्टूडेंट में एज अ बायोमेडिकल साइंटिस्ट काम कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में और अगर आपको इन डिटेल में और भी इंक्वायरी जानना है या और इन डिटेल में ये सारे स्टेप समझना है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप अपना करियर काउंसलिंग बुक करके अपना अपॉइंटमेंट भी लेके इन डिटेल में काउंसलिंग ले सकते हैं तो आप रखें अपना बहुत सारा ख्याल और मुझे दे इजाज़त जय कर्नाटका जय भारत जय हिंद